फ्रेंड्स, आपकी पूनम की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं दाल की पूड़ियाँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें दाल की ज़रूरत है और एक बारीक कटी हुई प्याज चाहिए और एक से दो हरी मिर्च और थोड़ा सा अजवाइन और ये हींग है और ये कसूरी मेथी और बाकी के सूखे मसाले हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसका आटा लगाना है हमको, तो अब इसमें हम दाल डालेंगे। दाल से ही इसे गूंदना है हमें, थोड़ा थोड़ा दाल यूज़ करनी है। और अब हमें इसमें प्याज डालनी है, प्याज डालेंगे। फिर अपने जो ये सारी चीज़ें हैं, जितनी सारी चीज़ें इसमें हमें अच्छे से डाल देनी है। और हमारे अब सूखे मसाले इसमें जाएंगे, तो अब हमें इसमें अपने सूखे मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे, अब धनिया पाउडर डालेंगे, अब थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, अब थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे, और नमक स्वाद अनुसार, और इसको और थोड़ा चटपटी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा हम चाट मसाला डालेंगे। तो अब हम अपना चाट मसाला डाल रहे हैं और अब हमें इसे अच्छी तरह गूंदना है। तो अब हम इसे अच्छी तरह एकदम गूंद लेंगे, जिस तरह हम पूड़ी का आटा लगाते हैं इसी तरह हमें अच्छी तरह गूंदना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा गूंद करके तैयार है। अब चलिए अब हम पूड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप भी हमें बताइए कमेंट में कि आपको दाल के परांठे या पूड़ियाँ आपको कैसी लगी। तो देखिए फ्रेंड, मैंने अपना तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। तो चलिए अब हम पूड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमारी पूड़ियाँ बेल के तैयार हैं और अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। हमारा तेल भी अच्छी तरह गर्म हो चुका है। और हाँ फ्रेंड, अगर आप बनाइएगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये पूड़ियाँ या इसके पराठे आपको कैसे लगें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी पूड़ी बन करके तैयार है। अब हम इसे निकालेंगे, अब हम दूसरे फ्राई करेंगे इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी पूड़ियाँ बन के तैयार है। और सच्ची फ्रेंड, आप एक बार बना के देखिएगा, ये बहुत अच्छी बनती है और बहुत यमी होती है, चाहे इसके पराठे बनाएं या फिर पूड़ियाँ बनाएं। और ये किसी भी सब्ज़ी के साथ आप खाएं, ये बहुत अच्छी लगती है। मैं तो आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ खाने जा रही हूँ। तो आप बनाइए और खाइए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। थैंक यू।